प्रेस के बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, खुशामदीद करता हूं। मैं अपने सारे सीनियर और एमएलए क्लीग्स के साथ बैठा हुआ हूं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपको बहुत शॉर्ट नोटिस में हमको बुलाया है और आप सब इस शॉर्ट नोटिस पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने आए। मैं आप सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे तो आज आप सब ने देखा, आज असेंबली का आखिरी दिन था, पांचवा दिन था और जिस प्रकार से आज हाउस में, असेंबली में, सदन में ऑनरेबल स्पीकर की तरफ से बिहेव किया गया, असेंबली को कंडक्ट किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली की हिस्ट्री में आज का दिन सबसे डार्केस्ट दिन माना जाएगा। एक काला चैप्टर असेंबली के इस इतिहास में ये माना जाएगा। मैं सीधे सीधे विषय पे आता हूँ। जिस असेंबली को जम्मू कश्मीर की जनता ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, अस्पताल के लिए, सड़क के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया था वोट देके, उस असेंबली में असेंबली की गरिमा को, असेंबली की सालमियत को भंग कर कर स्पीकर ने एक पर्टिकुलर पार्टी का एजेंट की भांति काम किया है और अनडेमोक्रेटिक वे में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी एक्ट किया है, कंडक्ट किया है। आज से तीन दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एड्रेस पे वोट ऑफ थैंक्स होना था और सारे ऑनरेबल एमएलएज सरकार के किए गए प्रॉमिसेस के अकॉर्डिंग अनुसार अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं लेके आए थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मानसिकता, जो अलगाववादी मानसिकता है, सेपरेटिज्म की जन्मदाता है, अपनी मानसिकता का परिचय दिया, प्रदर्शन किया और एक गैर कानूनी रेजोल्यूशन लाके असेंबली की गरिमा को, मर्यादा को भंग किया। जिस रेजोल्यूशन के जरिए इन्होंने स्पेशल स्टेटस रेस्टोरेशन पर डायलॉग की डिमांड की और बदकिस्मती ये है कि उस स्पेशल स्टेटस को स्पीकर ऑफ द असेंबली बाहर प्रेस में कहता है कि ये रेजोल्यूशन जिसमें स्पेशल स्टेटस मांगा गया वो 370 की डिमांड है। स्पीकर खुद मोहर लगा रहा है एक स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस का बन के। जिस 370 को देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर ने हटाया और उसको सेटल किया सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो 370 अब एक इतिहास है, जो 370 एक हिस्ट्री है, उसको ये एक ऐसे शब्द से कंपेयर कर रहे हैं जिस शब्द का कोई नामो निशान भारत के संविधान में नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर के हवाले से कहीं पे भी स्पेशल स्टेटस का नाम नहीं है। मैं आप प्रेस वालों के माध्यम से
उमर अब्दुल्ला साहब को चुनौती देता, चैलेंज करता हूँ, अगर स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के हवाले से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड कहीं पे हो, मैं राजनीति से इस्तीफा दूंगा। और जिस स्पेशल स्टेटस को लेके स्पीकर 370 को इंडिकेट करता है, उस 370 को दर्शाया गया है ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है, जिस टेम्परेरी प्रोविजन को 5 अगस्त 2019 को ख़त्म किया गया, उसके बाद वो टेम्परेरी प्रोविजन ख़त्म हुआ। अब जो ये स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, मैं आपको वाजा करना चाहता हूँ ये स्पेशल स्टेटस कौन सा मांगना चाहते हैं। आप प्री 5 अगस्त 2019 देखिए और जो आज ये डिमांड करते हैं। प्री 5 अगस्त इनका जो स्पेशल स्टेटस था वो 1931 से शुरू होता है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से शुरू होता है, तब का शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेहरू का एकाट जो जम्मू कश्मीर को रक्त रंजित करता है, और आज इनकी तीसरी पीढ़ी राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का एकाट जो स्पेशल स्टेटस मांगता है, जिस स्पेशल स्टेटस में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन कराया गया, यहाँ पे कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ, आम कश्मीरी सिविलियंस का 21,800 लोगों का कत्ल हुआ, यहाँ पे आसिया और नीलोफर जैसी छोटी बच्चियों का कत्ल हुआ, यहाँ तुफेल मत्तू जैसे एक स्टूडेंट का कत्ल होता है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर के घर में एक हाजी यूसुफ का कत्ल होता है। ये उस स्पेशल स्टेटस को यहाँ पे लाना चाहते हैं, ये यहाँ पे टूरिज्म नहीं चाहते, ये यहाँ पे व्यापार नहीं चाहते, ये यहाँ पे कारोबार नहीं चाहते, ये यहाँ पे 5 अगस्त के बाद जिस प्रकार से एक आम आदमी को बेनिफिट्स मिले हैं, जिसमें 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है, जिसमें यहाँ पे राशन मिला है, जिसमें पेंशन मिला है, ये उसको नेगेट करके दोबारा से स्पेशल स्टेटस के नाम पे यहाँ पे वायलेंस पैदा करना चाहते हैं, स्ट्रीट वायलेंस पैदा करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करनी देगी। अब अंत में जो मैं आज कहना चाहता हूँ, आज जिस प्रकार से स्पीकर ने एक्ट करके हमारे ऑनरेबल MLAs को मार्शल आउट किया, हमने एक पैरेलल असेंबली बाहर लगाई, लोगों की आवाज़ उसमें हमने उजागर की, मीडिया के ज़रिए पूरी असेंबली की कार्रवाई हमने चलाई और वो आपने भी कवर की। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये चेतावनी देता हूँ, आप इस पैरेलल असेंबली को लाइटली नहीं लीजिए, और अगर आपका इसी प्रकार का बिहेवियर जो इंडियन सॉवरेंटी को, जो इंडियन इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है, आपका इसी प्रकार का बिहेवियर रहा, तो हम पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे, पैरेलल सरकार चलाएंगे। ये मैं आपको चेतावनी देता हूँ यहाँ से आपके चैनल्स के माध्यम से। एक बात और कश्मीर के लोगों को मैं वाजा करना चाहता हूँ, जिस स्टेटहुड की डिमांड हर व्यक्ति यहाँ से करता है और जिस स्टेटहुड की कमिटमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, आदरणीय गृह मंत्री जी ने की, जिस स्टेटहुड के बिल्कुल हम नज़दीक हैं, इस प्रकार के हालात जम्मू कश्मीर की सरकार बनाना चाहती है ताकि यहाँ स्टेटहुड ना आए और इनका स्पेशल स्टेटस गलियों में, मोहल्लों में खून की होली खेलकर इनका स्पेशल स्टेटस वापस आए, जो नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। धन्यवाद सुनील जी। जहाँ तक देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक क्लियर स्टैंड है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमारी केंद्रीय सरकार का क्लियर स्टैंड है, हम किसी भी कीमत पे टेररिस्ट को, टेररिज्म को और टेररिज्म के सपोर्ट स्ट्रक्चर को किसी भी कीमत पे कोई स्पेस नहीं देंगे। यहाँ का आम सिविलियन, यहाँ का आम कश्मीरी हम गले से लगाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के टाइम पे टेररिज्म के साथ साथ सिविल किलिंग्स होती थी, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी, न करेगी। हाँ, जो टेरर अटैक्स अभी पिछले एक महीने से बढ़े हैं, कहीं न कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हरकतें हैं यहाँ पे, ये एनकरेज कर रही है उस टेररिस्ट को, उस टेररिज्म को जो पाकिस्तान यहाँ पे एक नैरेटिव फैलाकर करवाना चाहता है, ये वही एक कारिस्तानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक क्लियर स्टैंड है, एक फर्म स्टैंड है, हम आयरन हैंड से इनको निपटेंगे किसी भी कीमत पे, टेररिस्ट और टेररिज्म को यहाँ पे जगह नहीं देंगे। सुनील जी, ये जो VDC मेंबर्स वर्क है, सेटबैक है, देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और आज जो हमने पैरेलल असेंबली लगाई, वहाँ पे
अपने दो VDG मेंबर जो आज शहीद हुए हैं किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा में, हमने खड़े होकर 2 मिनट का साइलेंस रख के, मौन रख के उनको श्रद्धांजलि भी दी। और जो एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमने अपनी बात भी पहुँचाई। सारी सिक्योरिटी की जितनी भी एजेंसीज हैं सबके ऑफिसर बाला वहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि ये सेटबैक नहीं कहेंगे, ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का एक नया मॉड्यूल, नया प्रोग्राम जो स्विच करके यहाँ पे आया हुआ है। अभी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरीके से हैंडल कर रही थी, ये एक ट्रांजिशनल फेज़ है जिसमें हमें थोड़ा सा इस वक्त नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो बेहद अफसोसनाक है, दर्दनाक है, लेकिन किसी भी कीमत पर इसको भी यहाँ पर जगह नहीं देंगे। आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन से जो ब्रेक थ्रू हुआ, खानियार में हुआ, लारनू में हुआ, लोलाब में हुआ, भांडीपुरा में हुआ और आज सोपोर में हुआ। लगातार इनको भी जहां पे भी ये मिलते हैं इन्हीं की भाषा में इनको जवाब दिया जाता है। और मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, इसमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो कमजोर नहीं होगा, लेकिन जो इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो इनको पूरा संरक्षण देता है, उसको भी पूरी तरह से मतलब खत्म करने की आवश्यकता है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे प्रोग्राम से लगी।